हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप डिलीशियस रेसिपीज। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही जायकेदार चटपटा नाश्ता, जिसको आप सफर में, डिनर में या लंच में कभी भी बना सकते हैं, और इसके साथ हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएं। इससे पहले कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने हाफ कप सूजी लिया है, और इसके साथ ही हमने इसमें 1 कप हॉट वाटर ऐड करना है, जिससे कि ये हमारा सूजी बिल्कुल अच्छे से सोक हो सके। इसको हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके सोक होने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। ये हमारा बिल्कुल अच्छे से सोक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक उबला हुआ आलू, जिसको हमने मैश कर लिया बिल्कुल अच्छे से, जिससे कि ये हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होगा। अब इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, धनिया की पत्ती, 1 स्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा, और इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून साल्ट ऐड करेंगे, नमक, और इसे भी हम मिक्स करेंगे। और अब बिल्कुल इसे मिक्स करते हुए इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। वैसे अब इसमें वाटर नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमने इसमें सूजी में वाटर ऐड किया था, जिससे कि ये हमारा सॉफ्ट डो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसका सॉफ्ट डो तैयार करते हैं। तो ये हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, जिससे कि ये हमारे हाथ में चिपके ना। और यदि आपका डो बहुत ज़्यादा गीला हो, तो आप इसमें थोड़ा सा और आटा ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और ये हमारा डो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। सबसे पहले हम जिस सरफेस पे इसे रोल करेंगे, उस पे हम ऑयल लगाएंगे, और हम रोलर पिन पे भी ऑयल लगाएंगे, जिससे कि जो हमारी पूरियां हैं वो चिपकेंगे नहीं। हम हाथ में 1 स्पून ऑयल लगा लेंगे, और ये हमारे हाथ में डो चिपकेगा नहीं। और अब इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। अब हम इसे रोल कर लेंगे, और हमें इसे बिल्कुल पतला रोल नहीं करना है। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार है, इस साइज में हम सभी को बना लेंगे। अब हम एक पैन लिए हैं, इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किए हैं, और इसे हम गर्म होने के लिए रखे हैं। ये हमारा ऑयल हीट हो चुका है, अब हम इसमें पूरियों को डालेंगे। तो देखिए, इस टाइप से जो हमारी पूरी बन रही है, जब हम इसको ऐसा करते हैं, तो इससे हमारी पूरियां बहुत ही अच्छी फूलती हैं। ये एक इसका ट्रिक है, जिससे कि पूरियां आपके ज़रूर फूलेंगी। इस ट्रिक से आप भी फूली हुई पूरियां बना सकते हैं, जो बहुत ही जायकेदार टेस्टी चटपटा है। और इसे यदि आप चाहें तो चटनी से, या फिर आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि यह खुद ही बहुत चटपटा होता है। और आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें, और अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।